गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CSIR नेट JRF दिसंबर 2019 का बी पार्ट का लीनियर एलजेब्रा का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट फॉर टी बिलोंग्स टू रियल नंबर MT इज इक्वल टू, ये अपने को कोई मैट्रिक्स दे रखा है और पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सभी ऑप्शन में क्या रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ MT। पहला ऑप्शन बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ MT इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ MT इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ MT इज इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी T बिलोंग्स टू R। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ MT 0 फॉर एग्जैक्टली टू T बिलोंग्स टू R, बरोबर है। तो चलिए पहला धर्म क्या है अपना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ MT निकाल लें ताकि इसके आधार पर हम पता लगा सके कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। MT इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 1T0 11T² 011। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, MT 1 इंटू दिस 1 -T² -T 1 प्लस 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 1 -T² -T इज इक्वल टू -T² -T प्लस 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया या द्विघात समीकरण आया, बरोबर है। MT इज इक्वल टू -T² -T प्लस 1, ये क्या अपना टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण के कितने रूट होंगे, दो होंगे, क्यों, द्विघात समीकरण के हमेशा दो ही रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैव टू रूट्स, बरोबर है। अब देखिए ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ MT जे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है लेकिन डिग्री कितनी है इसकी, टी की हाईएस्ट पावर 2। दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ MT इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ये तो अपना इनकरेक्ट हो गया, क्यों, ये अपना डिग्री 3 बता रहा है तो इसको हटा दीजिए, बरोबर है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ T इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल T बिलोंग्स टू R, ये बोल रहा है R की वैल्यू कुछ भी ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ MT क्या होगा, 0 होगा। तो T की हमने हम क्या वैल्यू ले ली, 0 ले ली, तो क्या आया M ऑफ, ये डिटर्मिनेंट है सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ MT 8.0 क्या आया, 1 आया, जो कि नॉट 0 है। दिस मीन्स ये भी अपना डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ MT इज इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी T बिलोंग्स टू R। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ MT इक्वल टू 0 करना चाहें तो क्या आएगा, -T² -T प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो T की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, सीधी तरह आ रही है फॉर्मूला से, इसकी दो वैल्यू आएगी, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैंने T के लिए तो 0 नहीं होगा, कितने T के लिए 0 होगा, दो के लिए, क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ MT इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जैक्टली 2 T बिलोंग्स टू R। अपना राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन 4, 3 भी डिस्कार्ड हो गया, बरोबर है। तो इसमें सबसे अपना ज़्यादा बड़ा कठिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तभी अपना बी पार्ट में आया है। तो इस वीडियो में हमने इसको डिस्कस पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया है। अगर आप और भी CSIR नेट JRF के क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको खूब सारे CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।